Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 222. कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया, उसके पास से लिस्ट मंगाओ, 900 या 1000 उसके पास कैसेट है। वस्ता के पास ज्यादा है, लेकिन वस्ता सारी लिस्ट बना नहीं सका। इसकी लिस्ट उसके पास से मंगा के जो तुम्हारे पास है उसको निकाल दो, और बाकी की जो है ना उसकी लिस्ट बना के वक्ता को भेज दो कि इसमें से थोड़ी थोड़ी भेजता रहे। बाज वाजें ऐसी हैं कि वो रिपीट नहीं हो सकती, मेरी कोई भी वाज रिपीट नहीं हो सकती। ये ठीक है कि एक वाकया एक वाज में है तो दूसरी वाज में भी वो वाकया आ जाता है, लेकिन वहाँ सेकंड टाइम पर यही वाकया कोई दूसरे फेज में आता है, एक्सप्लेनेशन अलग है। तो वाजों में इसी बहुत सी चीजें आ जाएंगी। डोन मिल की एक मेरी वाज है दीदार के ऊपर, कि हजर इमाम का जो दीदार है वो क्या चीज है और दीदार कैसे करना चाहिए। सबको देख लिया, चलो ये सवाब तो है इसका, लेकिन दीदार जो है वो कुछ और। इमाम के अंदर नूर है, उसके चेहरे पे नूर की झलकियाँ आती रहती हैं, और ख़ास तौर पे ये दो आबरू के बीच में ये जो जगह है ये ग्लो होती है पिंकिश कलर, और वो कभी नज़र आता है कभी नज़र नहीं आता, थोड़ी देर के बाद फिर नज़र आएगा। देखते रहो मौला की ये दो धुएं के दरमियान यहाँ उसकी वो पिंकिश झलक आती है, और जब वो दीदार में होता है तभी ये चीज़ बनती है। बाहर पब्लिक में या किसी और जगह उसको देखो तो ये चीज़ नहीं है, और हर जगह स्पेशली हर अलग अलग जो हमारी मंडलियाँ हैं उन मंडलियों की रूहानी बख्शिशों की वजह से जो लेवल है, जैसे कि लाइफ में हमारी सारी जिंदगी की बख्शिश है, मैं नाम नहीं लेता, इसके ऊपर दूसरी ऐसी मंडलियां हैं, इन सब की बख्शिशों की जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से इमाम का दीदार होता है। सब जगह उसका चेहरा जुदा है, वो दरबार में होता है तो उसका चेहरा जुदा होता है। तो जब ये दीदार करने जाओ तो ये देखने के लिए कि मुझको दीदार का लाभ मिले, तो उसकी ये जो परेशानी है ना उसमें नूर होता है, नूर की झलक वहाँ मिलती है। डोन मिल्स की मेरी एक वाइस में इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह से एलेबोरेट किया है। तो इमाम के पास जब भी हम जाते हैं, रास्ते में मौला मिलता है या गाड़ी में बैठा हुआ मिलता है, हमारे लिए खुशी का मौका है, मौला को देखते हैं, ये दीदार है। लेकिन हकीकत में जो दीदार है वो जमात में होता है, और फिर इमाम की इस परेशानी के अंदर हमको इसकी झलक मिलती है। ये समझने के लिए और ये देखने के लिए ईमान बराबर होना चाहिए, पॉसिबल है सबको नज़र न भी आए, क्योंकि हम इमाम को किस नज़र से देखते हैं उसके ऊपर हमारा ताल्लुक उसके साथ है। तुम अपने बाप के और माँ के बेटे हो, लेकिन बहन के बेटे नहीं हो, बहन के भाई हो। तो इस तरह से तुम अकेले हो, किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, किसी के शोहर हो, किसी के बाप हो, आदमी एक है लेकिन उसके कितने कितने अलग रिश्तेदारियां हैं। ऐसा ही इमाम का, वो एक है लेकिन उसकी मेरे साथ क्या रिश्ता है, तेरे साथ क्या है, इसके साथ क्या है, वो सब अलग अलग है। ये ईमान की दारमदार पर, ईमान पे इसका दारमदार है। जैसा तुम्हारा ईमान ऐसा इमाम तुम्हें अपना जलवा दिखाएगा। तो इस्माइली मज़हब का ये सीक्रेट है, सबको नज़र नहीं आ रहे। बिना शक
पिछले कर्जे माफ हो जाते, नई बख्शिशें मिलती। एक हिंदू को मेरे खुसर ने इस्माइली मजहब में दाखिल किया, पढ़ा लिखा आदमी था, उसको ये बताया गया कि कृष्ण यही है। अच्छी बहस मुबासा के बाद उसने कहा कि अगर सच यही है तो मैं अपनी आंखों से इसको देखूं। मौलाना सुल्तान मसीह पास अरस किस्सा बोला, उसको बुलाओ, सामने बैठा, मौला के साथ बातें की। कहने लगा, ये लोग कहते हैं कि आप कृष्ण को सफल मिला, हाँ मैं कृष्ण हूं, मैं ही मथुरा के अंदर और द्वारका के अंदर राज किया। तो कहता है, साहब अगर ये सच बात है तो मुझको वो चीज दिखाओ ताकि मुझे पता लगे कि आप हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप गलत कहते हैं, लेकिन मुझे वो चीज देखनी। तो मौलाना सुल्तान मोहसिन ने उसकी आंखों में आंखें डाली, वो थोड़ी देर, दो मिनट हुए, मौला के पांव पे गिर पड़ा। उसकी डिमांड यह थी कि जिस तरह से गोपियों के साथ कृष्ण खेलते थे, मुझे वो सीन देखना है, और उसने देखा। लेकिन दूसरे जो बैठे थे उन्होंने किसी ने नहीं देखा। तो इस पर से मुझे एक वाकया याद आया, रसूलुल्लाह के पास अबू जहल आया, अबू जहल चचा था दूर का। कहता है, मोहम्मद आज मैं तय करके आया हूं कि मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मुझको कुछ मौजजा दिखाओ। कहते, देखो चाचा, मौजजा करना खुदा का काम। कहने लगा, हाँ तो खुदा को कहो मौजजा करे तो मैं मुसलमान हो जाऊं। क्या चाहिए? अभी अभी एक दरख्त पैदा करो, उसका जो थड़ है वो सोने का, चांदी की उसकी ब्रांचेज हों, शाखे हों, जमुरद के पत्ते हों और मोतियों के उसको गुच्छे लगे हुए। हुजूर फरमाया, चाचा ये क्या दुनिया की बात से बैठे हो? इंसिस्ट किया, फरमाया, अच्छा मैं दुआ करता हूँ। तो उसकी आंखें खुली रह गई, इसको वो दरख्त नजर आया, बहुत देर तक देखता रहा, गुमसुम हो गया। जब वो निकल गया सीन, तो कहने लगा, वाह वाह, तेरे जैसा जादूगर तो कोई नहीं देखा, चला गया। ईमान नहीं आना था, नहीं आना था। तो इमाम का दीदार करके भी जो आदमी का ईमान नहीं होता, बाज दफा मौला जलवा दिखाता उसको, लेकिन जो मोमन होते हैं उनका जलवा अलग होता है, उसका भेद वही होता है, और उस मोमन को उस बात की तस्कीन हो जाती है। इमाम का जब भी दीदार करो नेक्स्ट टाइम, इस बात को याद करना। उसकी परेशानी में नूर है। इंसान के अंदर पेशानी में नूर नहीं होता, तो रूह है जो नूर में से निकली है अलबत्ता, लेकिन रूह का रहना है वो अक्ल के अंदर है। दिमाग में वो जगह कि जहाँ अक्ल रहती है, तो अक्ल के अंदर रूह का रहना है। इसके लिए हज़रत इमाम फरमान करते हैं कि फेथ एंड इंटेलेक्ट, यानी अक्ल और जो ईमान है, ये दोनों साथ चलते हैं। हालांकि इश्क और अक्ल की दुश्मनी है, इश्क की बातें अक्ल की समझ में नहीं आती, इश्क का दर्जा अक्ल से ज्यादा है, मगर अक्ल जो है वो खुदा ताला की खुद की जात है, वो खुद अकील है। इबादत में जो इंसान को तजुर्बे होते हैं, जबान उसके लिए कासिर है, बोल नहीं सकते, जबान के अंदर उस चीज को समझाने की ताकत नहीं है। इसलिए खुदा ने इस चीज को ऐसा राज में रखा है, जिसको जो चीज मिलती है वही जानता है। मिसाल एक, तुम्हारा सिर दुखता है, तुम कहो मेरा सिर बहुत दुखता है,
लेकिन कितना दुखता है क्या समझा सकता है इंसान, उसकी कोई लेवल नहीं, उसका कोई माप नहीं, कोई मीटर नहीं। मगर जिसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द है, वो बेहतर जानता है कि मुझे दर्द कितना है। ये एक दुनिया की मिसाल है, मगर जो इबादत है वो तो खुद इंसान के तजर्बे की ही चीज है, कह नहीं सकते। इबादत सिर्फ यही नहीं कि सुबह उठ के 4 और 5 बजे के दरमियान खुदा को याद करो, सारा दिन इबादत होती है। इबादत के बहुत से तरीके हैं, रोजी कमाना भी इबादत है अगर वो हक है। सच्चाई और हक रास्ते पे चल के जो आदमी रोजी कमाता है तो 6 घंटे के 8 घंटे जो रोजी में जाते हैं वो इबादत में लिखे जाते हैं। इबादत के दर्जात हैं, नोटों की साइज एक ही है लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ 1 तो 1 ही डॉलर मिलेगा। उसी साइज का कागज का टुकड़ा है, उस पर लिखा है 100 तो उसके 100 हो गए। जो इबादत है उसके आमाल, यानी नेक आमाल ही है, सच बोलना है, किसी की मदद करना है, आमाल है, उसकी जुदी जुदी अलग अलग कीमतें हैं। ऐसा एक ऐसा एक्शन है कि वो 1 डॉलर का है, ऐसा ही दूसरा एक एक्शन है उसके 100 डॉलर है। मौला अली खैबर की खैबर नहीं लेकिन खंडक की लड़ाई में इब्ने अब्दुल्वुद का सिर काट के लेके आए, और हाथ में सिर था और झूम के चले आते थे। सभी कोई आदमी पहलवान झूमता है तो हजरत उमर कहते हैं या नबी देखो अली की चाल कैसी है, यानी मगरूर भरी चाल है। उसका मतलब कहने का यह था, मुर्तजा को देख के नबी बहुत खुश हुए कि इसने इब्ने अब्दुल्वुद का सिर काटा। फरमाया है अली तुम्हारी तलवार की एक जरब के जिससे ये काफर मरा है इसका इतना दर्जा है कि कयामत तक मेरी सारी उम्मत जितनी इबादत करेगी उससे ये एक जरब का दर्जा ज्यादा है। क्या हिसाब है देखो, कयामत तक सारी उम्मत के जितने आमाल हैं वो एक तरफ, और मौला मुर्तजाली की एक जरब है जिससे कि वो काफर मारा गया इसका आमाल ज्यादा है। ये अली की बात पढ़ो तो दिल में ताकत आती है। ये इब्ने अब्दुल्वुद 1000 आदमी से अकेला लड़ता था। तुम गुजराती पढ़ लेते हो? आप तो गुजराती पढ़ते हो। इमाम की जो 2 किताबें फरमानों की, कलाम इमाम मुबीन 1 और 2, वो कहीं से पैदा करो और अपने ग्रुप में रोज उसमें थोड़ी थोड़ी पढ़ा करो। हाँ बेटा मेरे पास तो है ही, लेकिन बात क्या होती है कि मैं उधर से किताबें भेज नहीं सकता। ये किताब कहीं से भी मुहैया करो। अभी देखो सर, मैं एक सोच रहा हूँ, दरेडिया नहीं है बॉम्बे में, ये अभी आया था 2 वीक पहले, कलाम इमाम मुबीन उसके पास मंगवाओ। तो 750 पेज हैं दोनों वॉल्यूम्स के। मेरी बहुत सी आवाजों में मैंने रिपीटेडली इसका जिक्र किया है कि किसी भी तरीके से जिसको मजहब का शौक है उसको ये 2 किताबें पढ़नी चाहिए। इस्माइली मजहब का ये इंसाइक्लोपीडिया है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ये इसका जिक्र करते हैं, खंदक की लड़ाई का, कि इब्ने अब्दुल्वुद बहुत ताकत वाला था। मौला लिखते हैं एक दफा वो चला जाता था किसी छोटे काफले के साथ, तो चोरों ने डाकुओं ने इसके ऊपर हमला किया।
ये अकेला उनसे लड़ता रहा, लड़ते लड़ते इसकी ढाल टूट गई। तो मौला लिखते हैं कि जब इसकी ढाल टूट गई तो इसने देखा तो नज़दीक में ही नया पैदा हुआ ऊंट का एक बच्चा खड़ा था, एक दो दिन का होगा। तो सर फरमाया इसने इस ऊंट के चारों पांव, बच्चे के चारों पांव इकट्ठे करके हाथ में पकड़ के ढाल के तौर पर यूज किया और 1000 ये डाकुओं के साथ लड़ा और कईयों को मारा, बाकी भाग गए। ये इब्ने अब्दुद काफरों की तरफ से खंदक पार करके इधर चला आया। तो हजरत उमर को नबी कहते हैं जाओ लड़ो, तो कहते हैं या नबी मैंने एक दफ़ा इसको देखा, 1000 आदमी का अकेला मुकाबला करता था, मैं नहीं जाता। नबी की नाफरमानी हुई ना। तो ये सब बड़े बड़े जो उनके असहाबों में थे ये कोई सच्चे पक्के मुसलमान नहीं थे। नबी कहे जाओ तो भले जाके मर जाता, पके जाना चाहिए ना। मौला मुर्तज़ाली को कहा, मौला गए। वो बहुत ऊंचा था, लंबा था, घोड़े पर बैठा था। तो घोड़े पर जब बैठा हो तो जमीन के नजदीक तक उसके पांव आते थे, इतना लंबा था वो। आंखें कमजोर थीं, वो उम्र काफी थी उसकी। अली को देखे, अली ठीक नहीं थे। पूछा कौन है तुम? कहा मौला ने मेरी माँ ने मेरा नाम असदुल्ला रखा, हैदर कर्रा रखा। बाप का नाम क्या है? कि मेरे बाप का नाम अबू तालिब। हाँ, अब्दुल मुतलब के पोते। कहा हाँ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, जाओ, क्योंकि तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था। फरमाया मैं लड़ना चाहता। इस तू मैमे के अंदर उसको गुस्सा आया। अली को कहते चलो तुम वार करो। हुजूर ने फरमाया मैं वार पहले कभी नहीं करता। तो उसने एक वार किया तो मौला को परेशानी पे लगा। ये वही जख्म था कि जहां अब्दुलरहमान इब्ने मुलजम ने सजदे में तलवार मारी। बस मौला जंप किया, नहीं उसको जमीन पे आ गया था, जमीन पे उतर के उसने मौला पे वार किया। और वह लंबा था, फिर मौला ने जंप किया। उसने पत्थर की टोपी पहनी हुई थी खुद। मौला ने जो तलवार मारी तो पत्थर की टोपी कट गई, उसकी नाक कट गई, गर्दन कट गई, सीना कट गया, आधा इधर गिर गया, आधा इधर गिर गया। उस जैसे आदमी को एक ही जरब में मारा तो नबी कहते हैं अली की एक जरबत तलवार की मेरी उम्मत के सारे आमाल से ज्यादा है। फिर अली की इस ताकत का ये समझना मोमन के दिल में तकवियत पैदा करता है। तो ये बात मैंने इसलिए कही थी कि हर आमाल की अलग अलग कीमत है। एक आमाल एक वक्त $1 का है, वही अमाल दूसरे मौका के ऊपर शायद 1 सेंट का भी ना हो, या वही अमाल दूसरे वक्त $1000 जितनी कीमत का हो। तो अमाल किस नियत से, किस मौका पे और किस तरीके से किए गए, इसका हिसाब वो रखता है। हमारी सारा दिन इबादत होती है और इस इबादत के अंदर नियतन समझ के अगर इंसान अमाल करता है तो सचमुच वो इबादत का मजा चखता है। फिर जो रात को होता है वो फिर और चीज़ होती है। ये क्या होता है मालूम? खाना पीना पकता है, एक एक चीज़ पकती है, टेबल पे आती है, ये रखा वो रखा ये रखा, टेबल जब भी तैयार हो गया तो फिर खाने के लिए बैठे हैं। 23 घंटे टेबल तैयार करो और सुबह 1 घंटे बैठ के मौला के साथ खाना खाओ। अभी देखो हम इस वक्त उर्दू में बातें करते हैं और हम उर्दू को छोड़ के इंग्लिश में बातें करें तो तुम्हें समझने में कोई तकलीफ नहीं होती। जिस तरह उर्दू समझते हो वैसा इंग्लिश समझते हो, तुम्हारा ख्याल मतलब में नहीं होता।
तो जो दुआ है उसको इस तरह से सीख लो कि तुम्हारी ख्यालों को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, उसको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि आई ईमान वालो। जैसे जैसे पढ़ते जाओ उसकी समझ साथ साथ आती जाए, ये प्रैक्टिस की बात है। और दुआ की किताब लेके पढ़ते रहो और उसके मतलब भी अपने साथ साथ बोलते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर तुम्हें अलग जुदा ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे कि हम उस जबान को समझते हैं, अरबी के चंद अल्फाज हैं, उसको समझ लेना चाहिए। क्या क्या ख्याल है, कभी कभी दुआ पढ़ी होती है अपने होते हैं जमात में, लेकिन ख्याल कहीं और जाता है, एक पार्ट में होता है दूसरे पार्ट में, मतलब ये हमारी कमजोरी है, नहीं होना चाहिए। बराबर एक सुई से दुआ पढ़नी चाहिए, एक एक लफ्ज में ख्याल रहना चाहिए, और बाहर के जो ख्यालात आ जाते हैं ये हमारी कमजोरी है। इसी के लिए सुबह की इबादत के अंदर भी ये कहा गया है कि ध्यान लगाओ, ताकि जो ध्यान बराबर लगेगा बाहर के ख्यालात नहीं आएंगे, तो इबादत में मजा आएगा। सदर दिन की एक टेक्निक है कि अगर बाहर के ख्यालात आते हुए ध्यान नहीं लगता तो सांस को रोक लो, सुबह इबादत करते करते अगर ख्यालात यकजा नहीं होते तो सांस को रोक लो, जो ही सांस रुकेगी बाहर के सब ख्यालात स्टॉप हो जाएंगे और जो मन है वो बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा, फिर अपनी इबादत शुरू करो। दोबारा ख्यालात इधर उधर हट जाएं, तो वापस उसको लाने के लिए अपना सांस रोक लो, वो फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस करते 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 अपने मन पे काबू आ जाएगा। मगर इबादत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। दिन के वक्त भी कभी बैठ जाओ, बैठ के इबादत ना करो, यानी बोल की नहीं जरूरत, लेकिन सुलावत पढ़ो, कोई और नाम खुदा कर लो। इसमें आजम का जिक्र दिन के वक्त यूं नहीं करना कि तुम बैठ के इबादत करो, चलते चलते इसमें आजम याद कर लिया, काम करते करते याद कर लिया, और किसी और नाम से खुदा को पुकार लिया। आजम वैसे दिन में हम याद कर सकते हैं? हाँ, याद हो सकता है, लेकिन बैठ के इबादत नहीं करना। खुदा के नामों में, इसके अंदर मैंने खुदा के बहुत से नाम दिए हैं, मतलब भी है। इन नामों में खुदा का एक नाम है अलवदूद। अलवदूद के मतलब है मोहब्बत देने वाला, मोहब्बत करने वाला, क्योंकि मोहब्बत खुद खुदा ताला की सिफातों में से है। तो अलवदूद की दिन में कभी भी अलवदूद की तस्बीह पढ़ो, तो तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत जाग जाएगी। बहुत अच्छी तस्बीह है अलवदूद। या वदूद आपके कैसे में था, तो आपने बताया था कि कोई बच्चा है, आपको आदमी अप्रोच करते हैं कि उनके बच्चे बात नहीं मानते हैं, या तो मैंने ये या वदूद की तस्बीह कही। सच बात है, मोहब्बत पैदा होती है, समझ आती है, ईमान बढ़ता है, और मौला की कुर्बत मिलती है। बहुत अच्छी तस्वीर। एक और तस्वीर है या रशीद। अर रशीद है, इसका मतलब है राइट ट्रैक पे रखने वाला, सही रास्ते पे हमको कायम रखे। खुदा का वो नाम है अर रशीद, तो उसकी तस्वीर है या रशीद। अगर बदअमाल है इंसान के, तो ये तस्बीह पढ़ने से या रशीद की तस्बीह कहने से वो आहिस्ता आहिस्ता बदियों से निकल जाएगा। खुदा की तमाम नामों में कुवत है, एनर्जी है, और इन नामों से तो बड़ी बड़ी बीमारियां दूर होती हैं। बहुत खुदा ताला के इन नामों के अंदर हिकमत के दरिया अंदर भरे हुए हैं। अल रशीद, या रशीद, या रशीद की जो तस्वीर निकाले तो बदियां बुराइयां उससे दूर हट जाएंगी। तो ऐसी तस्वीर
खुदा का कलाम है वो लोग मैं तो कभी भी पढ़ता हूँ तो किसी भी दुनिया में तकलीफ होती है आपने बताएंगे यही तस्वीर देता है वो दो और ये तो काफी मतलब वो अभी बहुत फेमस हो गया है और अभी तो मतलब अपने अपना एक दफ्तर खोल लिया उसने और ऐसे मतलब काम शुरू कर दी पहले तो अखबार में आता था अब बहुत मशहूर हो गया तो एड्रेस भी अपने कायदे में मजा है कहीं ऑफिस एड्रेस भी अखबार के अंदर लिखता लोग जाते हैं उसके पास ये बात भी सही है तीन बार सवाल पढ़ते तो फर्श से गिनती भूल जाते तीन बार नहीं एक बार अली शाह माँ बाप कंडी मोहल्ले जमात खाने करीमाबाद बॉम्बे में जमात खाने में आए पीर का जमात इमाम हसन अली शाह थे इमाम नहीं आए सब अंदर आए और बारिश शुरू हुई अभी बारिश शुरू हुई तो उस वक्त छत पे पत्थरे थे तो आवाज बहुत आती थी मौला फरमाया कमरिया हाजी को बारिश हो रही है जी सरकार देखो बारी के पास जाके कि जोर की है कि हंसते हंसते जाके वापस आया कहता मौला बहुत जोर की बारिश है वापस जाओ और देखो कि एक मिनट में कितने कतरे गिरते हैं हुक्म हुआ मगर मैं पूछने जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन जाके वापस आया कहता या मौला एक मिनट में इतने कतरे गिरते हैं कि उसको कोई हिसाब नहीं कर सकता मौला फरमाया जमात को कहो जब तुम एक सलवात पढ़ते हो तो उसके इतने सवाब हैं कि फरिश्ते उसको गिन नहीं सकते एक सलवात और बहुत पढ़ो सलवात की तस्वीर लाजिम नहीं है कि तस्वीर लेके बैठो और सलवात गिन गिन के पढ़ो बोलते रहो पढ़ते रहो 50 पढ़ो 500 पढ़ो 5000 पढ़ो कुछ भी सलवात के फायदे बहुत हैं बहुत फायदे ईमान मजबूत होता है दुश्मन दफे होते हैं बलाएं दूर होती हैं और मौला की कुर्बत मिलती है उसमें सलवात का जिक्र बहुत है उसमें इमाम ने फरमाया है मुझे एक सेंटेंस उसमें जो जिसका मुझे मीनिंग आपसे पूछने की उसमें इमाम ने फरमाया है कि किसी हकीकत या दूसरे दिन की जिला की बस ना करना तो इमाम कहते हैं किसी हकीकत तो क्या हमारे अलावा भी कोई दूसरा हकीकत दिन है इस्माइली मजहब के अलावा उसका मतलब है कि किसी इस्माइली की या नॉन इस्माइली की गिला ना करो मतलब कहने का यह है कि इस्माइली समझ के तुम उसकी गिला नहीं करते लेकिन नॉन इस्माइली समझ के गिला करो तो फरमाया ऐसा नहीं गिला बुरी चीज़ है चाहे इस्माइली की हो या नॉन इस्माइली की हो हकीकती से मतलब इस्माइली इमाम को शनाख्त करने वाला हकीकत ही होता है ना और अगर इमाम की शनाख्त नहीं तो नबी फरमाया कि वो जाहिल की मौत मरेगा इस फरमान में सलवात के लिए कि सलवात बहुत पढ़ो तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा दुश्मन तुम्हारे दफा होंगे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और तुम मरने के बाद बहिश्त में जाओगे और दीदार होगा तो मेन चीज़ें वो भी मतलब ब्रांच कर दी बिलाश आपकी एक वायर सुनी थी मैंने मिशनरी साहब उसमें आपने जो है वो इमाम सुल्तान मशा के रेफरेंस से ये बात कही थी कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक जगह पर 10 गुनाह कबीरा का जिक्र किया है कल मैंने जिक्र किया था तू नहीं था मुझे पूछना है आपसे अभी वक्त अभी आ गया ना रिकॉर्डिंग में सुन लेना हो गया ठीक है
उस वायद में जो ना वो आपने डिटेल दिए, लेकिन मेरे ख्याल से दो या तीन अब चार गुनाह कबीरा बताए हैं, लेकिन टेन मतलब पूरे दस के बाद कल तू जॉब पे था ना तो कल मैंने बहुत मिस किया है बात है लोग वही दो तीन कैसे सबसे बात है इसीलिए तो पूछे वही कैसे हाँ वही चल रही है ना ग्रुप में वही मेरे पास जो टेप रिकॉर्डर है वो ऑटो रिवर्स है। कभी कभी तरीका वाले मेरी रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं जमात करने गया और ऑल ऑफ एसर बुकिंग ने कहा इसमें सब वॉइस करो, तो मेरे पास अपने रिकॉर्डर नहीं होता। अभी ये लोग क्या करते हैं, वो जिसको काम सौंपा होता है वो C60 ले आता है, बीच में आधे घंटे के बाद उसको चेंज करता है, इसमें दो चार सेंटेंस मेरे निकल जाते हैं। मेरी बहुत सी वाजें पहले एक घंटा डेढ़ घंटे के दरमियान होती थी, अब ये C60 खत्म हो गई तो क्या करें, बाकी की आवाज रिकॉर्ड नहीं होती। मैं खुद पर्सनली C90 यूज करता हूँ, चाहे मेरी आधे घंटे की आवाज हो मैं C90 लेके जाऊं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बन चुका है ये ख्याल करके कि मैं आधा घंटा आवाज करूंगा, मगर वहां जाके दिल बदल गया, एक घंटा हो गई, तो मैं हमेशा C90 यूज करता हूँ, तो कम अज कम डेढ़ घंटे जारी मजा चले। तो ऐसी बहुत सी जो टेपें हैं उसमें आवाज अधूरी रह जाती है, क्योंकि वो बच्चे उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। एक दफा मैं एक C180 यूज की थी, C180 तीन घंटे की, मगर वो तीन घंटे की भी शॉर्ट रही, और दूसरी फिर एक 120 की डाली, यानी अमीनाबाद में 4.5 घंटे की मेरी वॉइस हुई, मगर हुआ क्या, अल्लाह जाने खुदा को ना मंजूर था, वो टेप गुम हो गई किधर, या किसी को दिया या कहीं गए गई मालूम, वो आवाज़ मेरे हाथ में ना आ सकी। '72 में किनशासा गया, 2 महीने ठहरा, स्पेशल ट्रिप था मेरा, तो मैंने जमात को कहा कि मेरा प्रोग्राम आपके पास 40 दिन का तो है, मैं आपको 40 दिन हर रोज वाज करूंगा। 45 वाजें हुई और जमीन आसमान चांद सूरज पैदा होने से पहले क्या था वहां से मैंने स्टार्टिंग की। किस तरह खुदा ने खलकत बनाई, किस तरह से मोहम्मद के नूर से ये सब चीज पैदा हुई। यहां से चलते 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 इस्माइली मजहब किस तरह इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, जमात क्या हुई, जिनन क्या है, फरमान क्या है, रूहानिया क्या है, फरिश्ते क्या है, जिन्नात क्या है, इन तमाम हिस्ट्री के अंदर तमाम नबियों का जिक्र भी आया। 45 वाजें हैं, मेरे पास वो ज़माने में टेप रिकॉर्डर नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे खरीदने के, और इतने अच्छे टेप रिकॉर्डर भी नहीं थे, इतने बड़े बड़े थे, कहाँ लेके फिरूँ। मगर एक लड़का लंदन से आया था, वो नया टेप रिकॉर्डर लाया था, उसने मुझसे पूछा, स्पूल थे वो ज़माने में, अब ये सारे के सारे स्पूल, ये कंप्लीट रिकॉर्ड, डॉक्टर अब्दुल हाशिम को जानते हो, वो हमारा अलवाज है, तरीका के अंदर काम करता है, मेरा शागिर्द है, बहुत अच्छा आदमी है, PhD किया हुआ है, उसके पास है। थोड़े दिन ही पहले मैंने वो याद किया, तो मैंने उसको कहा कि इसको भी कैसेट के अंदर ट्रांसफर करो, तो वो थोड़ी थोड़ी कर रहा है, ये जो सेट कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें लिखूंगा, फिर तुम उसको खत लिखना डॉक्टर अब्दुल हाशिम के पास, ये एक मास्टरपीस काम हो गया। मेरी लास्ट 32 वाजें हुई ये पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान एसोसिएशन ने वो 32 का सेट बेचना शुरू किया। हाँ
90 और 91, दिसंबर और जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, नवंबर में मैं चला गया था हुंजा और थोड़ा हिस्सा सिंध का और सारा पंजाब बाकी, लाहौर और गुजरने वाला के सिवा बाकी सारा पंजाब बाकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप में वो पूरा करूँगा। मेरी पुरानी वाजों में मैंने गिनान शुरू किया, कंप्लीट एक गिनान, एक एक पाठ बोल के राग से फिर मैं समझाता रहा। ऐसे 64 वाजे हैं, 64 गिनानों के ऊपर। वस्ता को कहो ये बना देगा। एक गिनान किस ख्याल से और किस माहौल में फरमाया, जैसे कि शाम को आवता जो कहे, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। आए रहमे रहमान अब तो रहम करोगे करेंगे, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। तो गिनानों के अंदर छुपी हुई जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं या गिनानों के अंदर स्पेशल ओकेजन की जो जिक्र आए हैं, एक और गिनान है ना जो रखो बेटा, ये सतगुरु आविया कहीं अपने द्वार केम करीने पाए लागी हैं, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। एक गिनान है कि वह प्रेम पाटन राजा मन शुद्ध तिस घर रिजिया जे रानी, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इवेंट बना हुआ है। ऐसे बहुत से गिनान हैं, इन गिनानों की चीजें बहुत कुछ इंशाल्लाह हो गया और इंशाल्लाह होगा। पूरे पूरे गिनानों के ऊपर वाइज है। फिर सदर दिन का सलोखा एक एक पाठ का ट्रांसलेशन एक कंप्लीट 120 पाठ है और सी हर्फी है। ये तमाम कैसे थे ये बार नहीं निकाली मैंने, अभी तक सर्कुलर में नहीं आई सी हर्फी। 52 घाटी, 100 क्रिया, 9 महबूद अवतार और सत्वेनी निवेल, ये जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, अनंत अखाड़ों, ये सब के ट्रांसलेशन किए हैं। नहीं अनंत अखाड़ा कैसेट में नहीं है, लेकिन उसका तर्जुमा लिखा हुआ है, ये मैंने अभी तक बाहर नहीं निकाली। आएगी मैं क्या कि जमात में आवाज हो जाती है ना, घर जाके मैं सुनता हूँ उसको, और अगर उसमें कुछ भूल वगैरह होती तो ठीक कर लेता हूँ। तो ये जो शास्त्र के मैंने किए हैं मैं सुन नहीं सका, वक्त न मिला, सुन लूँ फिर बाद में रिलीज करूँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बाहर आ चुकी है, वो मैंने पास की सीहर्फी। सीहर्फी की 8 टेपें हैं, ये वस्ता के पास है। भुज निरंजन का मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया, इंशाल्लाह मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको रिवाइज करता हूँ। मौला करेगा तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में छापेंगे उसका।
नूर अली दो बरस के बाद मेरे पास आया था, चेयरमैन था ना इसका तरीका का, नूर अली कौन करमाली, इसको मैंने दिखाया, कहने लगा मिशनरी साहब हमको दे दो हम छपाएंगे। मैं बोला मुझे पहले देखने दो। अनंत खाड़े का ट्रांसलेशन 500 पार्ट है, 360 हो चुके हैं, 140 बाकी हैं, थोड़े थोड़े वो भी करता हूँ, पूरा हो जाएगा फिर रिवाइज करके इंशाल्लाह वो भी निकालेंगे। अनंत अखाड़े में बड़ा भेद है, बहुत बहुत राज की बातें भी हैं। सुल्तान मोशा के फरमान में है कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो 40 दिन के अंदर इसको पूरा करो। मेरी आवाज में हरीस का जिक्र, 15 पाठ रोज पढ़ो, रोज 15 पाठ पढ़ो इजीली, 12-13 पाठ पढ़ो तो भी हो सके। और एक और फरमान है सुल्तान शाह का कि अगर तुम्हें मुश्किल हो गए कोई तो जंजिबार की मेरी पहली मुसाफरी के फरमान पढ़ोगे तो तुम्हारी मुश्किल दूर होगी। ये कलाम इमाम मुबीन है, इसके अंदर है 1899 के फरमान है। ये किताब कहीं से कहीं ढूंढो और रोज बैठ के ना तो पढ़ा करो। नहीं गुजराती में, गुजराती कोई पढ़ने वाला रख लो। अरे तुम लोग कोशिश करो 15 दिन में गुजराती आ जाएगी। खोज की आती है तो बहुत इजी है गुजराती सीखना। मतलब सीखने के लिए तो दे देना, तो सीखना शुरू कर ऐसे सीखे तो अच्छा बोला जाता है, ऐसे सीखे बहुत आसान है गुजराती, तो बहुत आसान है। सुल्तान मोहम्मद शाह की एक फरमानों की छोटी किताब थी, हम इसको कहते हैं बटन वाली किताब, खान की फरमान, उसमें बैतुल ख्याल के और 5-12 साल के फरमान है। वो खोजकी में भी है, गुजराती में भी है। तो तुम लोग जो ग्रुप में बैठते हो तो कभी कभी सुबह जमात खाने से निकल के कहीं बैठो और ये पढ़ा करो, उसमें बहुत अच्छी चीज़ है। और जहाँ अटक जाओ या समझ नहीं आई तो किसी किताब पे या किसी कॉपी में कागज़ पे लिख डालो तो फोन करना, सब तुम्हें खुलासा दूंगा। सर आप कुरान जमात खाने में आए हैं तो आपको जमात की रूहानी हालत कैसी लगती है? बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है। मैं लास्ट टाइम कुछ 7-8 बरस पहले आया था, जमात की हाजिरी मुझे कम लगी, शायद कल सैटरडे था इसकी वजह से। जैसे जमात में पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, अभी भी इम्प्रूवमेंट की जगह बहुत है। अच्छा जमात अच्छी है। आज सुबह जो हाजिरी थी ऐसी हर रोज होती है? सुबह 26 आदमी थे। सतारे में बैतुल ख्याल का सतारा हो है तो उसमें 100 आदमी होते हैं। शिकागो में गया बैतुल ख्याल का सतारा, लोग तस्बीह में आते हैं 3:15 बजे, 4 बजे बत्तियां गुल होती हैं तो आदमी भी गुल, ऐसा ही है। ये बहुत बुरी बात है। वो तो बराबर नहीं,
तस्बीह में सतारा इसीलिए डाला गया है कि जो तस्बीह के अंदर शामिल हों और फिर इबादत करें। बैठक जुदी होती थी, मर्दों की जुदी होती थी 4 बजे। फिर जब जमाना बदला और एक ही जगह बैठ के औरत मर्द इबादत करने लगे, तो फिर मौला ने फरमाया कि जो 7 और 5 जुदे थे, अभी तुम 5 सतारे बरस में निकालो। तो ये हजर इमाम के पास जब ये मामला गया तो साफों में 4 करो, कभी 4 सतारे हर 3-3 महीने एक होता है, सतारे में जरूर जाना चाहिए। सतारे में जाओ और अपने घर से कुछ भी, 2 केले ले जाओ, 1-2 एप्पल ले जाओ, मगर घर से कुछ मेहमानी ले जाओ। सतारे के सुफरे में सारी जमात को हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह अभी जो सतारा आएगा, ये सैटरडे को इधर से शुरू होता है, हम फ्राइडे शुरू करते हैं, ये जमात का सतारा है। तो जमाती सतारे में अपने घर से कुछ ना कुछ सुफरा लेके जाओ, जरूर लेके जाओ। नहीं, इमाम ने यह फरमान सिर्फ अफ्रीका के लिए किया था, तो तुम्हें शायद पता नहीं है। मैं तुम्हें छोटी सी हिस्ट्री बताऊं, मेरी वाज़ों में जिक्र जरूर है। मौलाना असन अली शाह के जमाने के अंदर जमात सख्त गरीब थी। एक दफा मौला जामनगर निकले तो रास्ते में औरतें गाय का गोबर इकट्ठा कर रही थी, तो मौला घोड़े पे अली और असन अली शाह दोनों थे, तो इनको आते देख के औरतों ने अपने मुंह फिरा लिए। मौलाना असन अली शाह को जरा ताजुब हुआ, वजीर इस्माइल को पूछा ये क्या बात है, मुझे देख के औरतों ने मुंह फिराए। कहते हैं खुदावंद, ये तेरी रूहानी बच्चियां हैं, इस्माइली हैं, और चूंकि इनके हाथ गंदे हैं, मुंह भी खराब है, पछेड़ी नहीं, दुपट्टा नहीं सिर पे, तो शर्म के हिसाब से इन्होंने अपना मुंह फिरा लिया, ये इनका अदब है। ये गोबर उठाते हैं मेरे बच्चे, ऐसा क्यों? ये पैसे नहीं है कि कोलसे या लकड़ी लेके घर के अंदर खाना पकाएं, ये गाय का गोबर इकट्ठा करती हैं, इसको सुखा लेती हैं, इसको जला के खाना पकाती हैं। बोला बहुत देर तक खड़े रहे, दिल ऐसा उदास हो गया, फरमाया वापस चलो। फिर इमाम असन अली शाह मां बाप ने फरमान किया कि तुम लोग मुल्क छोड़ के कोई दूसरी जगह जाओ, और सजेस्ट किया कि अफ्रीका जाओ। 40 आदमी का एक ग्रुप कच्छ और काठियावाड़ से मिल के अफ्रीका के लिए निकले, जवान आदमी थे, उसमें एक 12 बरस का लड़का था। तो बॉम्बे में असन अली शाह मां बाप के हुजूर में मेहमानी रखी, अर्ज की कि मौला हम लोग अफ्रीका जाते। सरकार बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं दी, फरमाया दिन ब दिन तुम्हारी तरक्की होगी, और तुम उधर जाके मेरा पैगाम देना है कि शाम की जो दुआ पहली पढ़ लो तो उसके बाद या अल्लाह या वहाब या अली अल्लाह समद, ये 4 तस्बीहां असन अली शाह मां बाप ने दी, ये शाम को मगरिब की दुआ के बाद पढ़ा करो, और इन तस्बीहों की तुम्हें बहुत बरकत मिलेगी। तो ये तस्बीहां शुरू हुई। 1905 में मौलाना हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह थे, इन्होंने फरमाया कि तुम आज से ये तस्बीहां सुबह पढ़ा करो, तो शाम से बदला के सुबह कर दी, और ये तस्बीहां मिली। हकीकत में अफ्रीका की जमात बहुत आगे बढ़ी। 46 में डायमंड जुबली के टाइम पे हिंदुस्तान के कुछ लीडर आए थे इधर अफ्रीका, और ये सुबह की तस्बीहां उन्होंने पढ़ी, तो हुजूर में अर्ज की कि खुदा हम तो ये तस्बीहां नहीं पढ़ते। मौला फरमाया ये तो स्पेशली अफ्रीका के लिए थी, लेकिन तुम भी पढ़ा करो। तो इंडिया पाकिस्तान में ये शुरू हुई, उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था 46 में। तो इसी तरह से और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो अफ्रीका में होती हैं। तो ये जो मैं जिक्र करता हूँ सतारों का, ये अफ्रीका के लिए। लेकिन चूंकि यहाँ
अफ्रीका का सिस्टम चलता है, नॉर्थ अफ्रीका और यानी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। यहाँ तो हम पहली दुआ के बाद खड़े होकर तस्बीह निकालते हैं, इंडिया पाकिस्तान में दो दुआ के बाद खड़े होकर निकालते हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर दो दुआओं के बीच में नादी होती है। इंडिया में छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ दो दुआ के बीच में नादी होती है। पहले गिनान पढ़ते हैं, फरमान पढ़ते हैं, या आवाज़ होती है, नादी होती है, फिर दुआ पढ़ के घर जाते हैं। क्या बोलते थे? ये जो हम दूसरा पाठ का थोड़ा पोर्शन पढ़ते हैं, मजलिसों में पढ़ा जाता है, डेली जमात खाने में नहीं पढ़ा जाता। मजलिस में जब तस्बीह निकलती है तो उसमें यह होता है, अल्लाहुम्मा या मौलाना अंता सलाम अलैका। अफ्रीका बहुत आबाद हुआ, बहुत आबाद हुआ, और इमाम का खास ध्यान रहा। 44 में मौला ने एक तालिका भेजा, 54 में, और तांगानिका के, अभी तंजानिया उस वक्त तांगानिका था, फरमाया जो जवान हैं उनको मेरी ये गाइडेंस है कि तुम थोड़ी सी रकम लेके कांगो जाओ, व्यापार करो, कांगो में आजकल अच्छे चांसेस हैं। सब बोले, मैं कहता हूँ कांगो जाओ तो उसका मतलब ये रुवांडा बुरुंडी नहीं, लेकिन अटलांटिक कोस्ट तक जाओ, इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मैं तुम्हें एक दिन कहूंगा नाउ क्रॉस अटलांटिक। तो क्रॉस अटलांटिक करो तो कनाडा अमेरिका। 54 में यह इशारा है कि तुमको मैं एक दिन कहूंगा कि क्रॉस करो। अभी जो हमारी अमेरिका में जमात इतनी जल्दी बढ़ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें हाजिर इमाम को कुछ इस जमात से काम लेना है फ्यूचर में? बहुत काम लेना है, बहुत काम लेना है, और इन इलाकों में ये जो अभी जो हमारी जमातें इधर हैं, मैंने किसी जगह आवाज में जिक्र किया है कि 3-4 जनरेशन के बाद 70-80 बरस के, 100 बरस के अंदर, लेकिन 70-80 बरस के बाद हमको यहाँ से फिर शिफ्ट किया जाएगा। अभी तो अफ्रीका पाकिस्तान से लोग इधर आए हैं, एक्चुअली शिफ्टिंग अफ्रीका की हुई है, तुम्हारी लोगों की नहीं, तुम तो यूँ आ गए इधर का ये लाभ लेने के लिए, लेकिन ये शिफ्टिंग अफ्रीका के लिए। और एक और शिफ्टिंग हमको होगी 70-80 वर्ष के बाद, यहाँ से इमाम वापस भेजेगा किसी और मुल्क में, शायद वो मुल्क पाकिस्तान है, वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा था ऐसा कि मेरी उम्मीद है और ऐसा मेरा ख्याल है कि बाय टर्न ऑफ सेंचुरी 1 लाख इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में होंगे। ये आवाज मैंने कैलगरी में की है कुछ 83 या 84 में, बाय टर्न ऑफ सेंचुरी 1 लाख इस्माइली होंगे, लगभग 90-92 हजार हो गए। नहीं, सबको तो शायद ना, मगर 75-80% को जाना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स होंगे उनको, बूढ़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी उस वक्त ज्यादा, मगर जो यंगस्टर्स होंगे
उनको इधर से जाना पड़ेगा। क्राइम बढ़ जाएंगे, बहुत से बेईमान हो जाएंगे, लेकिन बहुत से दूसरे लोग इस्माइली मजहब में भी आएंगे, लेकिन आएंगे थोड़े, जाएंगे ज्यादा, जमात कट जाएंगे। छोटी उम्र से उनको, बच्चों को मजहब सिखाओ और उनके लिए रोज दुआ मांगते रहो कि मौला इनका ईमान सलामत रखे। अब मैं जब ये कहता हूँ कि यहाँ की जमात में से बहुत से लोग निकल जाएंगे, तो ये बहुत से का जो लफ्ज़ है ना, मैं इसको थोड़ा लिमिट कर डालूँ ताकि समझ आ जाए। 10-15% 10-15% हमारी जमात के लोग बेईमान हो जाएंगे, और शायद 5-7% बाहर से अंदर आवे, हम थोड़े लॉस में रहेंगे। वैसे जमात इधर बहुत मजबूत रहेगी। मैंने एक और एक बयान किया था, कभी कभी मैं बोल देता हूँ, मुझे खुद को मालूम नहीं होता कि मैंने ये क्यों कहा। मुझे पता होता है, लेकिन मुझे कोई फोर्स मजबूर करती है कि बोल दे, कम से कम रिकॉर्ड में तो आया। मैंने ये कहा कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इमामत कनाडा में आएगी। मेरा मतलब यह है कि फ्यूचर में कोई इमाम यूरोप छोड़ के या अगले मुंह को बंद करके इधर आएगा रहने के लिए, जैसे कि हसन अली शाह इंडिया गए, 1942 में गए और 1980 में अपने वफात पाए, वहीं बम्बई में दफन है हसन अली शाह महबूब हसनाबाद में। मौला अली से हमारी जो इमामत का जो सेंटर है वो बदलता रहा। मौला अली खलीफा हुए तो मदीना को छोड़ के कूफा को खिलाफत का दारुल बनाया, फिर मौलाना हुसैन मदीने वापस चले गए और इमाम जाफर सादिक तक मदीने में रहे। मौलाना इस्माइल सीरिया चले गए और इमाम रज़ियुद्दीन अब्दुल्ला तक वो उधर रहे। इमाम महदी मोरक्को गए नॉर्थ अफ्रीका और इमाम निज़ार तक नॉर्थ अफ्रीका में रहे, मोरक्को से इजिप्ट आ गए। इमाम हादी आलमूत गए, इमाम रुकनुद्दीन खोरशाह तक रहे उधर आलमूत में और इमाम शमसुद्दीन से फिर आज़रबाईजान में रहे। वहाँ से इमाम कासिम तबरेज चले गए, इमाम इस्लाम शाह किरमान गए और हसन अली शाह माँ बाप तक किरमान में रहे। हसन अली शाह इंडिया आए, अली शाह भी इंडिया में रहे, सुल्तान महमूद शाह भी इंडिया में पैदा हुए, वहीं इमामत की और यूरोप चले गए। हज़रत इमाम भी यूरोप में हैं, यूरोप के दिन भी अभी ख़त्म हो रहे हैं, तो कुछ बरसों तक इमामत का जो दारुल खुलाफा है इधर आ जाएगा। मेरे ये कहने पे ज़रा गड़बड़ हुई थी, तुम कैसे कह सकते हो इमामत इधर आ जाएगी। मैंने कहा मैंने एक चीज़ की ख्वाहिश जाहिर की है, अभी तुमको क्या नहीं मानना, मत मानो, ना तुम होगे ना मैं हूँगा। हमारे गिनान पढ़ो, बस सारा इल्म गिनानों में भरा पड़ा है, ज़मीन का, आसमान का,
आसमान के अंदर का जमीन के अंदर का ये इल्म सब जीनानों में है, बहुत हिकमतें हैं। हमारे बदन के अंदर की हालत, हमारी रूह की हालत, जीनानों में बहुत 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 ज्यादा। बहुत सी चीजें कुरान पाक में समझ नहीं आती। खुदा ताला फरमाता है कि हर सूखी और गीली चीज का इल्म कुरान में है, तो बहुत सी चीजें समझ नहीं आती, इसके लिए हम कुरान में से वो इल्म हासिल नहीं कर सकते, लेकिन गिनानों में से मिलता है। हवाई जहाज का जिक्र कुरान में नहीं है, गिनान में है। ये वीडियो और ये सिनेमा और ये फोटो का जिक्र कुरान में नहीं है, गिनानों में है। गिनानों में बहुत इल्म है। हाँ, इवन कुरान शरीफ में है कि ये तुम्हारा पहला यानी जन्म या पहली लाइफ नहीं है, तुम पहले जिंदा थे, और ये शायद आखिरी भी नहीं है। कुरान में है इसकी तस्वीर, लेकिन क्या है कि मुल्ला नहीं समझता, जिनानों में है। मजहब को समझने के लिए अकली दलीलें भी काम आती हैं। अभी यही बात ले लो, खुदा ताला जालिम है? नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। खुदा किसी के साथ नाइंसाफी करता है? नहीं। खुदा खुद कहता है कि मैं किसी को उसकी गलती के बगैर सजा नहीं देता, और जितने दुख हैं तुम्हारा हाथ उसमें है। ये समझ लेने के बाद अब ख्याल करो कि एक बच्चा पैदा हुआ है, अंधा है। क्यों ऐसा हुआ? सबको दो आंखें मिली हैं, ये क्यों अंधा हुआ? अगर तुम ये कहो कि खुदा ने इसको अंधा किया, तो खुदा तो नाइंसाफ ठहरा, तो उनको आंखें दी, इसको आंखें नहीं दी। तो ये चीज जाहिर करती है कि इसी लड़के ने कोई जरूर ऐसा गुनाह किया है कि इसकी सजा में इसको ये चीज मिली है। तो अगर ये गुनाह किया है तो कब किया है? ये तो अभी पैदा हुआ है, तो पास्ट लाइफ में क्या है ना? बच्चे टांगों के बगैर पैदा होते हैं, लूले पैदा होते हैं, लंगड़े पैदा होते हैं, गूंगे पैदा होते हैं, बहरे पैदा होते हैं। तो खुदा ताला तो जालिम नहीं है, पहला जन्म है। बाज आदमी मौत से दो चार दिन पहले कुछ गुनाह ऐसा कर दिया, अभी वो तो गुजर गया, तो उसकी सजा के लिए तो फिर उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और उसकी सजा इस तरह से है। बाज गुनाह हम करते हैं, थोड़े टाइम के अंदर उसकी हमें सजा मिल जाती है। बाज ऐसे गुनाह कि हमको दो चार बरस के बाद सजा मिलती है। बाज गुनाह ऐसे हैं कि हमको मौत के करीब सजा मिलती है। अभी किस गुनाह की सजा कब मिले, उसके ऊपर बड़ा दारोमदार है। साथ साथ ये भी है कि हमारा जो सिस्टम है खुदा ताला के ये अमल आमाल के अकाउंट का, करामन कातिबीन जो है उनका सिस्टम हमारे बैंक की तरह है। बैंक में तीन कॉलम है, एक कॉलम है विथड्रॉल, एक कॉलम है डिपॉजिट, एक कॉलम है बैलेंस। तुमने कुछ नेकी की, थोड़े गुनाह किए, तो इन नेकियों की वजह से बहुत से गुनाह बख्शे जाते हैं, वो अकाउंट में नहीं आते। यही सूरह हूद की जो आयत इसके ऊपर है, नमाज के ऊपर, तो उसमें खुदा ताला फरमाता है कि इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यिआत, बेशक नेकियों से बहुत से गुनाह मुआफ होते हैं, मिट जाते हैं। तो बाज नेकियां हम करते हैं तो हमको उसके बदले में ये होता है कि बहुत से हमारे गुनाह मिट जाते हैं। जैसा कि पीर गिनान में कहते हैं कि तुम अंदर जाओ जमात खाने में, कहो है जिंदा, तो इस है जिंदा का बदला यह है कि तुम मिसालन एक हाथी मौला को पेश करो तोहफे के तौर पे, तो इसका कितना सवाब है, कितना सवाब तुमको मिलता है जिंदा कहने से। तो जो सवाब है वो गुनाहों को खा जाता,
تو ہاتھی تم نے خیرات کیا اس کا ثواب بہت سے گناہوں کو کھا گیا. پھر کہتے ہیں اس کا جواب دو, قائم پایا تو تم نے ایک گھوڑا مولا کو مہمانی میں دیا, اتنا ثواب تمہیں ملا. تو اس سے بہت سے گناہ ہمارے معاف ہو جاتے ہیں. پھر ہم اور کچھ نیکیاں کرتے ہیں, کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں. نبی ایک دفعہ خیرات کے اوپر واعظ کرتے رہے, بہت واعظ کی, لوگوں کو بہت اثر ہوا, خیرات کرو صدقہ کرو. ابو ہریرہ ایک صحابی تھا, جو کہ ابو ہریرہ شیعوں کی نظر میں جھوٹا ہے, 3 برس نبی کی خدمت میں رہا اور 53 حدیثیں لکھی اس نے. 3 برس کے 53 دن نہیں ہوتے, 1000 دن ہوتے ہیں. تو اس نے 5 گنا, یعنی ہر روز 5 حدیثیں سنتا تھا. چلو یہ تو ابھی کیا کہتے ہیں ریسرچ کی بات ہے. ابو ہریرہ کہتا ہے یا نبی, آپ نے آج خیرات کے اوپر ذکر کیا, میں تو اداس ہو گیا, اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے خیرات کرنے کے لیے, میں تو خود بھیک مانگ کے کھاتا ہوں. نبی فرمایا تم ہاتھ اٹھا کے کسی کے لیے دعا مانگو, یہ بھی خیرات ہے. تو یہ نیکی ہے دعا مانگنا کسی کے لیے. کیا ہم جماعت خانے کے اندر جب ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے یا تسبیح ہم نکالتے ہیں یا کچھ بھی کے بعد جماعت خانے کے اندر ہم کسی نان اسلامی کے لیے یا مسلم ورلڈ کے لیے مانگو؟ ہاں کیوں نہیں, کیونکہ وہ جماعت نہیں مانگتی, تم پرسنلی مانگ رہے ہو, نتھنگ رانگ. وہ بھی تو خدا کے بندے ہیں نا, کوئی بھی ہو. تمہارے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے, خدا کو نہیں مانتا لیکن بیمار ہو گیا, تو یہ سمجھ کے کہ یہ کافر ہے تم اس کو نفرت کی نظر سے دیکھو, وہ برابر نہیں. آخر انسان ہے, اس کو بنایا کس نے؟ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اس کی بھی جائز مدد ہو سکتی ہے تو کرو, سب کے لیے دعا مانگو. اور غیر قوموں کے اندر بھی اگرچہ انہیں امام کی شناخت نہیں لیکن عابد ہیں, نیک ہیں, اچھے بندے ہیں, ہر قوم میں دوسروں کے لیے دعا مانگنے سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں. تم لوگ جب بھی گروپ میں بیٹھتے ہو تو سنڈے ہوتا ہے کہ کوئی بھی دن بیٹھتے ہو؟ کس وقت بیٹھتے ہو؟ اچھا, ابھی میں تم کو وہ بات میں نے سنا ہی نا کہ مولا سلطان شاہ فرمایا 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالا کرو اینی ٹائم. دوپہر کو 12 اور 1 بجے کے درمیان سبحان اللہ کی تسبیح نکالا کرو, اور سہپہر کو 4 اور 6 بجے کے اندر الحمدللہ کی تسبیح نکالا. یہ قرآن میں بھی ہے اور امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں میں بھی ہے. پھر علی شاہ ماں باپ کا ایک فرمان ہے کہ رات کو 12 بجے اٹھ کے یالی کی تسبیح پڑھا کرو. پرانے زمانے میں بتیاں نہیں تھیں, الیکٹرک نہیں تھی, تو لوگ تو جماعت کرنے سے شام کو جا کے سو جاتے تھے کھا پی کے, پھر رات کو 12 بجے اٹھ کے یہ تسبیح نکالا کرتے. یہ علی شاہ ماں باپ کا فرمان ہے, اور ہم کو یہ فرمان سلطان محمد شاہ نے سنایا کہ میرے باپ نے ایسا کہا کہ ہے کوئی ایسا تمہارے میں کہ رات کو 12 بجے اٹھ کے علی کا نام لے رہے تو میں اس کے گناہ لے جاؤں اور اس کے بدلے میں میں اس کو ثواب دلاؤں. وہ لوگ رات کو جاگتے ہیں, دیر سے سوتے ہیں, ان کے لیے ایزی ہے, جو ہی جاگتا نہ ہوتا ہے 12 بجے تسبیح نکال کے سو جا. جو جلدی سو جاتے ہیں ان کو 12 بجے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن انسان ایسا ہے کہ کوئی بھی عادت ڈال دو ٹھیک ہو جاتا ہے. بیٹھ کے ادب کی بات ہے, بیمار ہے, مجبور ہو گیا تو بھلے سوتے سوتے نکالے لیکن بیٹھنا چاہیے. تسبیح میں 5 منٹ لگتے ہیں.
चलो दिल में हाँ बोलते रहो। तस्बीह तो ये होती है कि भाई 30, 40, 50, 100 दाने निकाले, ऐसा गिनती बगैर मौला को याद करो, तस्बीह निकालो। हमको कम से कम अंदाजा हो जाता है कि अभी लगभग 100 जितने हो गए, कभी कम हुए ज्यादा हुए उसकी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मन में बोलते रहो, याद करते रहो। वर्ष यानी गुलशकर गुजर गए ना कराची में, '74 में खरादर के जम्मत खाने में माँ बाप फरमान कर रहे हैं, एक महीना हुआ मैं तुम्हारे साथ रहा, अब मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे हैं। तो वारिस यानी ने खुद ने मुझको ये बात सुनाई, ये सामने बैठी थी जो बोले जबी साहब ने कहा कि मुझे मेरे बच्चे याद आते हैं, तो मैंने दिल में सोचा था कि हाँ हम तेरे बच्चे नहीं। उसी वक्त मौला मुंह फिरा के इसकी तरफ देख के कहते हैं ऑल्सो रूहानी चिल्ड्रन। उसी वक्त ये सबके दिल की बातें जानता है। कोशिश करो और मौला के घर में उम्मीदें बांधो, उम्मीद बांधो कोई तो ऐसा नहीं समझ दो कि दूसरे दिन वो पूरी हो जाएगी। उम्मीद बांधो, मिसाल दूं एक कि कभी अच्छा हमारे रसूलुल्लाह कैसे होंगे, उस जमाने में तो कैमरे नहीं थे, तो ऐसी बात नहीं हो सकती कि हम रसूलुल्लाह का दीदार करें। एक उम्मीद बांधो, आज कल परसों बरस दो बरस, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई उम्मीद बांधो तो कभी बरस दो बरस कोई लंबे टाइम तक वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उसको छोड़ो मत ये समझ के अभी मौला को शायद पसंद नहीं, नहीं नहीं थी, उसको जारी रखो। शायद मौला ने उसकी कीमत रखी होगी कि तुम इस उम्मीद के लिए 100 दिन दुआ मांगोगे तो मैं कबूल करूंगा, और 50-60 दिन हुए और तुमने छोड़ दिया तो बाकी उसकी कीमत पूरी ना हुई, वो तो नहीं मिलेगी। मौला नाज़िर इमाम का एक बैतुल ख्याल का फरमान है ऐसा ही कहा, उसने कहा कि तुमको इबादत जारी रखनी चाहिए, कभी कुछ अरसे तक तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं हुई यानी तुम्हें दीदार नहीं हुआ तो माँ बाप फरमाया तुम छोड़ो मत, अगर तुम छोड़ दोगे तो हो सकता है कि दूसरे ही दिन तुमको दीदार होने वाला होवे और तुम एक दिन पहले छोड़ दिया, फरमान में है ये चीज। तो मैं भी कहता हूँ कुछ एक उम्मीद बांधो, मिसाल कि नबी को देखना है, कोई ऐसा दिन आ जाएगा कि तुम नबी को देख सकोगे, क्यों ना हम 48 इमामों का दीदार करें। मौला अली कैसे थे, कभी उसका दीदार हो गया तो मौलाना हुसैन कैसे थे, क्योंकि जिस तरह कैमरे की फोटो हैं, हमारे पास सुल्तान महमूद शाह की कैमरे की फोटो है, अली शाह माँ बाप की है, हसन अली शाह की है, पेंटिंग फोटो हमारे पास बहुत सी हैं, मिसाल मौलाना इमाम निज़ार की फोटो है, शम्स तबरेज़ की हैं। तो ऐसा ही ये हमारे तमाम इमाम और तमाम कुल नबी, बल्कि कुल इंसान दुनिया में आज तक हिसाब शुमार बगैर के जो आए हैं, दुनिया के अंदर मौजूद थे, बदन था, तो उनकी इथरिकल फोटो, उनका इमेज इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अभी इथर या एस्ट्रल बॉडी के हिसाब करो, इथर एक गैस है,
और एस्ट्रल बॉडी जो है वो भी गैशियस है, तो वो दुनिया में हयात थे तो उनकी बॉडी का तमाम कद शक्ल वगैरह इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, मगर उसको देखने के लिए आंखें चाहिए, तो ये आंखें काम नहीं आती, उसके देखने के लिए अंदर की आंखें चाहिए, मगर वो उनकी फोटो जरूर है सही। तो मैंने एक दफा फिर हसन कबीर दीन के साथ, मुझे बहुत मोहब्बत है भी, अनंत अखाड़ा पढ़ने के बाद मेरी शौक हुआ कि पीर हसन कबीर दीन को देखूं। बहुत बरसों के बाद मैंने एक दिन देखा कश्फी हालत में, एक कमरा है, पीर हसन कबीर दीन बैठे हैं और हुजूर का सारा बदन सफेद है, वो सफेदी दूध जैसी सफेदी है, लंबी दाढ़ी है, आधी आंखें बंद हैं आधी खुली हैं, पगड़ी है। मैंने हुजूर को सलाम किया, उनका दीदार हुआ, फिर मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। पाकिस्तान से एक रिसाला निकला, 10-12 साल की बात है, ये शायद ज्यादा भी, उसके अंदर बहुत से पीरों का जिक्र है, तो मैंने पीर हसन कबीर दीन पे लिखा था, उसके अंदर है ये। मौला की दरबार, उसके दरबार में उम्मीद रखो और इंतजार करो। ये मैंने खाली एक मिसाल के तौर पे दिया, ऐसी तो बहुत सी चीजें हैं। बोलने से ठीक नहीं होता, मगर तुम लोग ऐसे बैठे हो, आज मैं पहली दफा जिंदगी में इस चीज का जिक्र किया है। अल्फाज उसका साथ नहीं देते, लेकिन बहुत दुबले पतले, बहुत दुबले पतले, और आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, आंखों में से आंसू निकलते हैं, मूंछ पे गिरते हैं और फिर दाढ़ी पे आके नीचे गिर जाते हैं। लंबी दाढ़ी है बुजुर्ग की, छोटे छोटे कान हैं, पतले पतले होंठ हैं, नाक तीखी है, निहायत ही खूबसूरत है, और इनकी मौजूदगी में सारे कमरे में रोशनी थी। 40 लाख बरस की बंदगी पीर हसन कबीर दीन ने जमात को दे दी, 40 लाख बरस की पीर हसन कबीर दीन की इबादत। ओह, हम इस्माइलियों ने मजहब समझा नहीं, और हमको अपने मजहब की कदर नहीं, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हकीकत क्या है। आज हमारी इतनी कमजोरियां खामियां, ख्याल करो कि 2.5 करोड़ जितने इस्माइली दुनिया में, उसमें 5 लाख हम हिंदुस्तान के मुरीद, वो 2.5 करोड़ के सामने 5 लाख की क्या हकीकत है? 2%, और ये 2% को ये लाड प्यार कि साहब आवे, दुआएं देवे, बरकतें देवे, मेहमानियां खावे, हमको मजलिसों की बख्शीशें देवे, और वो बेचारे जो 2.5 करोड़ बैठे हैं उनको ये बख्शीशों में से 1% भी मिलता नहीं। ये पीर हसन कबीर दीन की 40 लाख बरस की बंदगी जम्पू द्वीप की जो जमात को मिली है, हम वो खा रहे हैं, हमारी कमाई कुछ नहीं। जैसा एक आदमी की कोई कमाई कोई नहीं, लेकिन बाप दादा का माल पड़ा है बैंक में से, हर महीने उसका इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि बाप मिलकर छोड़ गया। तो पीर हसन कबीर दीन की 40 लाख बरस की बंदगी हमको दे गया, उसके एवज में ये सब बरकतें इमाम की मिलती है। इसके लिए मौला फरमाया ना कि
शुक्र करो कि तुम इस जमात में पैदा हुए हो और इस शुक्रगुजारी में 40 दाने पीर शाह के रोज निकाला करो। पीर असद कबीर इनके मजार पे गया था, माँ बाप सोए हैं और पांव की तरफ बाई बुढ़ाई उनकी लड़की जो थी ना वो ऐसा क्रॉसिंग में सोई है, पीर ऐसा सोए हैं, ये बाई बुढ़ाई की कब्र पांव के पास है, बाई बुढ़ाई इनकी लड़की थी, 18 लड़के एक लड़की, पीर असद कबीर जिसके 4 शादियां की थी। कभी पाकिस्तान जाओ तो ये जगह देखनी जैसी है, वहां जाके हम वहाँ वो मज़ारों पे ज़ियारत के लिए हम नहीं आते हैं, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसके लिए हमें देखना था। उच्च में उच्च इस सदर दिन की पी रस्म कबीर दिन की और टंडो तुरेल है ना सिंध में, वहाँ पीरताज दिन सोए हैं, उनका नाम ही शाह तुरेल लकब है, पीरताज दिन पीर असद कबीर दिन के भाई थे, बड़े भाई थे शाह तुरेल, वो टंडो तुरेल में। हाँ पीर शमस मुल्तान में, कश्मीर में जम्मू, वहाँ पीर असद कबीर दीन के औलाद में से एक पीर मिठा है, वो उधर सोए हैं जम्मू में, कश्मीर में। हमारे पीरों ने बहुत काम किया। पीर असद कबीर दीन के 18 फजल थे, उसमें से कोई गिरफ्तार नहीं किसी को मिली है। भाई को पीर असद मिले, सबसे बड़े बेटे इमाम शाह थे और ये बाई बुढ़ाई सबसे छोटी बेटी थी। एक किताब है इमाम शाह और बाई बुढ़ाई बहन भाई बैठ के सवाल जवाब करते हैं, 70 के 72 गिनाने ये छोटे छोटे गिनाने 5-6 पाठ के, इसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आधे से ज्यादा हो गया। इसमें भी वो सवाल करती है, इमाम शाह उसका जवाब देते हैं, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। मेरे पास टाइम नहीं इतना, बाहर के टेलीफोन मीटिंग है, जितना टाइम लगाना चाहिए नहीं लगता। मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये मोहम्मद के कहने से मैं यहाँ कैसे आ गया। कह तो दिया लेकिन अब वापस नहीं, वापस तोड़ने का मन ना हुआ कि उसको कह दूं कि सॉरी नहीं आ सकूं। शाबाश है तुम, मौला तुम्हारी मेहनत में और भी इजाफा करे, बरकत देवे और तुमको बख्शीशें देवे। इसको कायम रखो, तोड़ना मत और सुस्त मत होना, इंसान की खसलत में है कि कुछ अरसा तक उसकी हिम्मत बंधी रहती है फिर वो कमज़ोर हो जाता है, ऐसा न होने देना, इसको जारी रखना। इबादत बराबर करो, नेक अमल करो, दसवन बराबर देना, अगर सचमुच नूर को जल्दी से पाना है तो उसके अंदर दसवन की बहुत ज़रूरत है। दसवंध एक किस्म की कुर्बानी है, मेहनत करके तुम लोग जो कमानी करते हो
उसमें से इमाम का हक देना इबादत है, मौला राजी होता है। लॉटरी लगे उसमें से 10 रन दो, उसका इतना बदला नहीं है कि तुम मेहनत करो, कमाई करो, फिर तुम 10 रन दो। और उसमें वो आदमी कि जिसकी जॉब ज्यादा सख्त है उसको 10 रन में ज्यादा फायदा है, और जो आराम से कमाई करते हैं उनको 10 रन में फायदा जरूर है, लेकिन मेहनत करने वाले की 10 रन ज्यादा फलती है। हाँ क्यों नहीं, महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, उसकी जगह तुम 2-5-10 दिन पहले भी दे सकते हो। हाँ रोज, बल्कि रोज ही देनी चाहिए, रोज ही देनी चाहिए। अभी ऐसे कि तुम जॉब करते हो तो 30 दिन के बाद तुम्हें $1,000 मिले तो 10 रन उसकी $125 होती है, तो 30 दिन है तो 30 दिन के हिसाब से $4-4 हुए रोज के। तो कभी एडवांस में शुरू करो तो हर रोज $4-4 दे दो, हर रोज $2-4-3 दे दो, और बाकी के बाद में एंड ऑफ द मंथ दे दो $1 रोज दे दो, 10 रन पेटे कुछ ना कुछ रोज दो, और बाकी का जो डिफरेंस है वो एंड ऑफ द मंथ दे दो। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की गाइडेंस में है, जो रोज 10 रन देते हैं उनको रोज खाना वदान मिलती है, तो 30 दिन खाना वदान मिलते। हाँ तुम्हारी 10 रन जो होगी वो 10 रन है, 10 रन से ज्यादा जो है वो मौला की मेहमानी में जाता है। और ये भी कह सकते हो या मौला मेरे 30 डॉलर होते हैं, मैं $35 देता हूँ कि मेरी पास में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके अंदर तुम $5 ले लो। दसों जो है वो अगर एक आदमी ₹1,000 कमाता है 12.5% दसों मैजिक चला रही है, तो वो जो जितना कमाता है उसमें से उसको देना चाहिए या सब एक्सपेंसेस मतलब रेंट है या जो दूसरे एक्सपेंसेस है वो निकालने के बाद सिर्फ जो इनकम टैक्स है वो ही निकले, बाकी कुछ मतलब जितना भी मिलता है पैसा उसमें से पहले 10 रन निकालो, फिर खाओ पियो, रेंट दो, इलेक्ट्रिक का बिल दो, पानी का बिल दो। क्योंकि अगर तुम पहले 10 रन नहीं निकालोगे और खर्च निकालने के बाद तुम जो 10 रन दोगे तो फिर 10 रन नहीं है ना। हाँ वो खाना बे 10 रन ही का खाना है, इंश्योरेंस लेना जरूरी है। कुरान में खुदा कहता है मुझे कर्जा दो, अभी इसको कर्जे की क्या जरूरत है, कोई इंडस्ट्री करनी है इसको। लेकिन यहाँ कर्ज का मतलब ये है कि तुम जो मुझको दोगे तो मैं फिर उसको घुरूंगा ना, कर्जा भरना चाहिए। तो खुदा अल्हम्दुलिल्लाह वो मजबूर नहीं है किसी चीज में, लेकिन जब हम उसको कुछ कर्जा देते हैं, मिसाल के उसके नाम पर कुछ देते हैं, तो वो उसका भार नहीं रखता, वो फौरन उसको वापस कर देता है। तो आपने 5 उसको दिए तो वो $5 तो नहीं देगा, वो ज्यादा देगा, एक्स्ट्रा देगा। आगे के जमाने में राजा बादशाह को कोई आदमी कोई चीज प्रेजेंट देवे तो वो प्लेट खाली करके तो सोना की मोहरे मुट्ठी भर के रख देता था। तो ये तो धनी बहुत मालदार है, दसवन बराबर। और तुम लोग छोटे हो, इंशाल्लाह बड़े बनो, यानी कि दीन में बड़े बनो, शादियां करो, बच्चे हो, जब भी तुम्हारे बच्चे कमाने जैसे हो जाएं और तुम मियां बीवी अकेले हो जाओ फिर तुम मुबारक में आना।
अभी मैं तुमको नहीं कहता कि मुबारक में आओ, इसलिए कि तुम्हारे सामने मुश्किल हालात हैं, तकलीफें हैं, बच्चों को रेस करना है, फैमिली बनानी है। लेकिन जब ही तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, अपनी कमानी शुरू करें, तुम्हारे ऊपर बोझ न रहे, फिर मुबारक में आना। और मुबारक में जब भी आओगे तो तुम पछताओगे, ये पछताओगे कि हम पहले क्यों ना आए। लेकिन मैं तुमको ये नहीं कहता कि तुम अभी आ जाओ। मुबारक के अंदर जो